बैलेंस पढ़ते हैं, ठीक है। एंड द टॉपिक इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैव अपोजिट मीनिंग। वर्ड्स का एक पेयर होता है जिनका दोनों का दो पेयर मीन्स टू वर्ड्स और दोनों का अपोजिट मीनिंग होता है, बिल्कुल ही अलग मीनिंग होता है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं, क्लियर। अपोजिट वर्ड्स होते हैं ना, सेम एंटोनिम्स वर्ड्स, टू वर्ड्स है बट दोनों के मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है, अलग अलग है, ओके। देखिए आपकी बुक में भी है, बुक एक्सरसाइज पेज 59, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, दिस इज अ बिग हाउस, दिस इज अ स्मॉल हाउस। आप देखिए कि यह एक बड़ा घर है या एक छोटा घर है। अब बड़ा और छोटा दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग मीनिंग होगा। बड़ा मीन्स बहुत बड़ा घर है, छोटा मीन्स छोटा घर है। छोटा मीन्स जैसे टू रूम्स का है या वन रूम का सेट है, एंड बिग हाउस क्या होता है जिसमें थ्री रूम सेट हो या फोर रूम सेट हो, ठीक है, वो क्या होता है? बड़ा हो गया। तो दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल डिफरेंट हो गए। फॉर एग्जाम्पल बिग स्मॉल, बड़ा छोटा। अब बड़ा का बिल्कुल अपोजिट उल्टा क्या हो गया? स्मॉल छोटा, बैक फ्रंट पीछे, फ्रंट मीन्स आगे, अप डाउन ऊपर नीचे। आप देखिए टू वर्ड का पेयर है बट दोनों का मीनिंग अलग है, तो ये क्या है? एंटोनिम्स है, अपोजिट वर्ड्स, क्लियर। सो लुक इन योर बुक, ओपन योर बुक पेज नंबर 60, लुक हियर दिस एक्सरसाइज एंड दिस एक्सरसाइज। यूज द पिक्चर क्लूज टू राइट द एंटोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स। आप देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और आपके वर्ड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग जो ये वर्ड्स दिया हुआ है आपका, इसका एंटोनिम्स आपको यहाँ पे राइट करना है, अपोजिट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बैक, बैक मीन्स पीछे, पीछे के टायर है, एंड फ्रंट आगे का क्या होगा इसका अपोजिट? पीछे का अपोजिट क्या होगा? आगे मीन्स फ्रंट। यंग, ये यंग एंड दिस इज ओल्ड, तो यहाँ यंग का अपोजिट क्या हुआ? ओल्ड। अप ऊपर, इसका अपोजिट क्या है? डाउन, ये आपको यहाँ पे डाउन राइट करना है। थिन पतला, फैट मोटा, यहाँ पे मोटा राइट करना। ऐसे ही आपको जो यहाँ सेकंड एक्सरसाइज में जिन वर्ड्स के नीचे अंडरलाइन है इनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, अपोजिट वर्ड्स राइट करने, क्लियर। समझ आ गया आपको क्या होते हैं एंटोनिम्स? पेयर ऑफ वर्ड्स बट मीनिंग्स आर डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट। दो वर्ड्स का पेयर होता है बट उनके मीनिंग अलग होते हैं, जैसे ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है, बिग स्मॉल बड़ा छोटा, अप डाउन ऊपर नीचे, फैट थिन, क्लियर। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, है ना, आपके बुक में नीचे थर्ड क्वेश्चन में, इनके भी आपको अपोजिट राइट करने अपनी नोटबुक में, ओके। अब हमारा सेकंड टॉपिक है फोनेट्स जंक्शन। क्या है हमारा सेकंड टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक इज फोनिक्स, फोनिक्स वर्ड्स। अब हम इन टू वर्ड्स के पेयर से एक कंप्लीट वर्ड बनाएंगे, टू लेटर के पेयर से कंप्लीट वर्ड बनाएंगे, बट उनकी साउंड क्या है, इनके साउंड के अकॉर्डिंग, क्लियर। फोनिक्स में साउंड वर्ड्स, ओके। अब देखिए एस एल, एस से क्या साउंड आती है आपको पहले भी बताया है, स। एल से क्या साउंड आती है? ल। एस और एल से क्या साउंड आती है? स और ल। अब इसमें भी एस से क्या साउंड आएगी? स। एंड एम से म। एस से क्या साउंड आएगी? स। एम से न। एस से स, पी से प। एस से स, टी
ओके। और आपको ये एक्सरसाइज इसकी फिल करनी है, उसके नीचे पिक्चर को देखना है और किस चीज की पिक्चर है इसको, इन वर्ड्स को आपको कंप्लीट करना है। क्लियर? आई होप आप सबको समझ आ गया। हमने साउंड वर्ड्स एंड वोकैबुलरी में हमने क्या किया है, एंटोनिम्स किया मीन्स अपोजिट वर्ड्स, उनको भी राइट करना है, लर्न करना है और इनको भी आपको रीड करना है। समझ आ गया? ओके, बाय।